हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल यूज़ ऑफ टाइम। और आज मैं अपनी किचन में बना रही हूँ पनीर ब्रेड पकोड़ा। और बेसन ब्रेड पकोड़ा बनाने के लिए सबसे पहले मैं तैयार कर रही हूँ बेसन का घोल। और उसके लिए मैंने लिए यहाँ पर 3 बड़े कप बेसन। और बेसन का घोल तैयार करने के लिए अब मैं 3 बड़े कप बेसन में ये डाल रही हूँ 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक। ये सब अच्छे से इसमें हम मिक्स कर देंगे और धीरे धीरे पानी डालते जाएंगे और बेसन को मिक्सअप करते जाएंगे ताकि इसमें गांठे ना पड़े। और ये देखिए, इस तरीके से मैं अपना घोल तैयार कर रही हूँ और मेरे बेसन के घोल में एक भी गांठे नहीं पड़ी हैं। कितना अच्छा घोल तैयार हुआ है। और ये घोल बहुत ही गाढ़ा है और ये ब्रेड पर लिपट नहीं पाएगा, इसलिए इतना गाढ़ा घोल नहीं करना है। इसमें पानी डालते जाना है और इसको मिक्सअप करते जाना है। पतला घोल तैयार करना है हमें ताकि हमारे ब्रेड अच्छे से इसमें डीप हो जाएं, ब्रेड के चारों तरफ अच्छे से घोल लग जाए। पनीर ब्रेड पकौड़ा बना रहे हैं तो इसलिए हम जो बेसन का घोल है वो थोड़ा पतला रखेंगे। पानी डालते जाएंगे और इस तरीके से खोलते जाएंगे। ये देखिए, ये कितने अच्छे से मिक्सअप हो रहा है। ये देखिए, इतना पतला घोल हमें इसका रखना है। ये मेरा घोल तैयार हो गया है और अब इसको आधा घंटा तब तक मैंने अपनी बेसन की जो घोल है वो आधा घंटा रेस्ट पर रखा है। तब तक मैंने ये ब्रेड ट्राइंगल शेप में ऐसे कट कर ली है। ये देखिए, इस तरीके से ट्राइंगल शेप में सारी ब्रेडें मैंने कट कर ली हैं। ये देखिए, और अब मैं अपना पनीर कट कर लेती हूँ तब तक। और अब मैं आलू की स्टफिंग तैयार करने के लिए तैयार हूँ। और ये मेरे बॉईल किए हुए आलू, इनको मैं मैश करूँगी और थोड़ा फ्राई करूँगी। और ये आलू की स्टफिंग के लिए मैंने आलू इस तरीके से मैश कर लिए हैं और मटर बॉईल कर ली है, जिंजर गार्लिक पेस्ट बना लिया है, और ये है हरा धनिया, और ये मेरे सब मसाले। और ये मैंने कढ़ाई में सबसे पहले रिफाइंड ऑयल गरम कर लिया है और अब मैं इसमें कर रही हूँ सबसे पहले जीरा, उसके बाद सौंफ धनिया पाउडर, ये हल्दी पाउडर, और ये हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट। आलू की स्टफिंग का स्वाद और भी बढ़ जाता है। लाल मिर्च पाउडर, अमचूर पाउडर, और अब ये बॉईल किए हुए मटर, इस तरीके से मैंने इसमें ऐड कर ली है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक स्वाद अनुसार, हमारा अमचूर पाउडर, और ये मैंने मैश किए हुए आलू इसमें अच्छे से ऐड कर लेते हैं। इसको फ्राई कर लेते हैं, इसके टेस्ट बहुत अच्छा आया क्योंकि हम इसको फ्राई कर रहे हैं और फिर इसको ब्रेड में भरेंगे तो अच्छे से बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। देखिए, आलू की स्टफिंग कितनी अच्छी बनेगी। और ये देखिए, मैंने सभी चीज़ें अच्छे से मिक्सअप कर दी हैं और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गरम मसाला और कटा हुआ हरा धनिया। और ये मेरी स्टफिंग बिल्कुल तैयार है ब्रेड में भरने के लिए। और मैं इसको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। और अब ये मेरी स्टफिंग तैयार है, ठंडी हो चुकी है। और अब मैं ब्रेड पर इस तरीके से इसको अच्छे से फैला लूँगी। ये देखिए, इस तरीके से पूरे ब्रेड पर मैंने स्टफिंग लगा ली है। और इसके बीचों बीच अब हम रखेंगे पनीर के लिए, ये पनीर का टुकड़ा रख लिया है मैंने।
इस तरीके से अब हम ये दूसरे वाला ब्रेड इस पर इस तरीके से रख देंगे और ये चारों तरफ से दबा देंगे और इनको साइड में रख लेंगे। उसके बाद इसको बेसन में डीप करके फ्राई करेंगे। और ये मैंने इस तरीके से सभी ब्रेड में पनीर और आलू की स्टफिंग भर ली है। ये मैंने सभी स्टफिंग भर के ब्रेड सभी तैयार कर ली हैं और हम एक कढ़ाई में अपना रिफाइंड ऑयल गर्म कर लिया है और इनको फ्राई करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और इस तरीके से हम ब्रेड को इस तरीके से डिप करके और नीचे की तरफ कर लेंगे ताकि सभी घोल ब्रेड पर पूरी तरीके से आ जाए। ये और हम पर हमें इसको मैंने और ये मेरे एक साथ तीन ब्रेड पकौड़े रहे हैं। ये देखिए एक तरफ से सभी तरफ से अच्छे से बंद हो गया है और ये देखिए कितना अच्छा सीखा एक तरफ से। और ये देखिए खुला कितना अच्छा मेरा ब्रेड पकौड़ा सीखकर तैयार है और ऐसे सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और ये मेरा दूसरा ब्रेड पकौड़ा भी बिल्कुल तैयार है। और ये देखिए बिल्कुल बाजार जैसे एकदम फूले फूले कितने प्यारे हमारे ब्रेड पकोड़े बनकर तैयार हैं। और ये मेरे पनीर ब्रेड पकोड़े कितने अच्छे से बन गए हैं और मैं इनको सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और ये देखिए मैंने दोनों ब्रेड पकोड़े सर्व कर दिए हैं लाल चटनी के साथ और आप इसको हरी चटनी सॉस किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। कितने अच्छे ब्रेड पकोड़े बने हैं एकदम फूले फूले। अगर मैं आपको इनको काट के दिखाती हूँ और ये देखिए कितनी अच्छी पनीर और स्टफिंग भरी हुई है और ये देखिए कितने फूले फूले बाजार जैसे एकदम ब्रेड पकौड़े बने हैं ये देखिए। और आप इसको बिल्कुल ज़रूर ट्राई करें घर पर और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।